आत्म नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे वीडियोस के जो टॉपिक्स होते हैं वो आप द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में मैं अपने वीडियोस को रूपांतरित करती हूँ। तो अभी हाल फिलहाल में मुझे किसी ने पूछा कि मैम, थोड़ा आप स्वर विज्ञान के बारे में बात कीजिए। स्वर विज्ञान क्या है? स्वर स्वरोदय, जिसे आजकल बहुत ज़्यादा लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या है? तो मैंने उस व्यक्ति को तो बताया ही बताया, लेकिन फिर उनके रिक्वेस्ट पे मैंने इसको रूपांतरित वीडियो के रूप में कर रही हूँ। तो स्वर क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो सांसें लेने की प्रक्रिया है, सांस लेना और छोड़ना, जो श्वास है उसे ही स्वर कहते हैं। तो जो हम सांस ले रहे हैं इसको कहते हैं, और छोड़ने की प्रक्रिया को निश्वास कहते हैं। तो ये स्वर क्या होता है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। एक्चुअली हमारे ऋषि मुनियों के ज़माने से ये स्वर विज्ञान जो है चला आ रहा है, लेकिन कुछ तथ्यों के वजह से, कुछ ऐसे तत्व जो होते हैं जो चाहते नहीं हैं कि इस गूढ़ रहस्य का पता हर किसी को पता चल सके, इसीलिए ये काल के हिसाब से ये विद्या जो है धुंधली होते चली गई है। इसके कोई अवशेष ही बचे हैं अभी हमारे पास, क्योंकि इससे जितने भी आधारित जितने भी कुछ लिखा गया था वो सारे नष्ट कर दिए गए हैं, ताकि कोई ये नहीं चाहता था कि ये जो एक गुड़ विद्या है ये हम सब सीख सकें। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं इसे गुड़ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी रहस्यमय विद्या है जिससे आप जैसे चाहे अपने जीवन को उस तरह से रूपांतरित कर सकते हैं, केवल अपने श्वासों को कंट्रोल करके। क्योंकि देखिए, पुराने ज़माने में ऋषि मुनि जो चाहते थे, जैसा किसी को श्राप दे दिया वो हो जाता था, किसी को वरदान दे दिया वो फलित हो जाता था, जो वो अपने मन में संकल्प करते थे वो उनके सामने प्रकट हो जाता था। ये सारा जो खेल था ये उनके श्वासों के ऊपर उनकी एक पकड़ थी, जिसकी वजह से सब कुछ वो बहुत ही आसानी से अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पाते थे। तो ये किसी आम आदमी के हाथ ना लगे, इस वजह से भी इन चीज़ों को नष्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी उस विद्या से रिलेटेड जो अवशेष बचे हैं, उन्हीं से हम कोशिश करके नई नई चीज़ें का लिंक लगा के, हम एक एक कड़ी को जोड़ के उस विद्या तक पहुंचने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक भी जितना हम जान पाए हैं उतना भी अगर हम रोज़मर्रा के जीवन में उसे प्रयोग कर ले, तो हमारा जीवन आज जो है उससे 100 times बेटर बन सकता है। तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ स्वर विज्ञान क्या होता है। स्वर यानी सांसों को किस तरह से आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हर बार आप चेक कीजिएगा, आपको ऐसा लगता है कि आपके दोनों नोस्ट्रल से जो है आपकी ब्रीदिंग चल रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा होता है। कोई एक वक्त में एक ही नोस्ट्रल एक्टिव होता है, यानी एक ही नोस्ट्रल से श्वास आ रही होती है और जा रही होती है। तो ये हर थोड़ी थोड़ी देर में श्वास की गति बदलती है। ऐसा क्या कहा गया है कि हर 2.5 घड़ी में जो है श्वास अपना जो है नाड़ी बदलती है। तो इसे कहते हैं कि ईडा और पिंगला, ठीक है। ईडा और पिंगला, जो आपका राइट नोस्ट्रल्स है उसे ईडा कहते हैं, और जो लेफ्ट नोस्ट्रल्स है उसे पिंगला कहते हैं। तो ईडा और पिंगला, ये इसे हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बहुत अलग अलग प्रभाव हैं। मान लीजिए आपका इस वक्त कौन सा चल रहा है श्वास, अभी तुरंत आप इस तरह से अपने हाथों को रख लीजिए और आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपकी लेफ्ट वाली जो है श्वास चल रही है तो हवा आपको यहाँ स्पर्श होगी, अगर राइट वाली चल रही है तो आपको हवा राइट हाथ में स्पर्श होगी। तो इससे आपको पता चलेगा कि उस वक्त आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। अगर आप इस नाड़ी के हिसाब से अपना कार्य करेंगे तो वो कार्य में आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पंच तत्व से बने हैं, है ना। तो पंच तत्व क्या है कि जल, आकाश, पृथ्वी, है ना, हवा, ये सारे जो पंच तत्व है इससे हम बने हुए हैं। तो ये पंच तत्वों भी हर वक्त अलग अलग पंच तत्व
हमारे अंदर एक्टिव होते हैं। तो हमारे बॉडी में भी है ना अलग अलग तत्व अलग अलग समय पे एक्टिव रहते हैं। जब भी मान लीजिए अगर वायु तत्व आपके बॉडी में चल रहा है तो वायु तत्व जो है उसका रंग भी होता है। वायु तत्व का रंग कौन सा होता है? हरा कलर होता है। और उसका जो टेस्ट होता है ना वो खट्टा होता है। तो कभी कभी आप बिना कुछ खाए भी आपके मुंह में खट्टा स्वाद आ जाता है, कभी होता है ऐसे। तो समझ लीजिए कि आपके अंदर वायु तत्व जो है वो चल रहा है। क्योंकि हम पंच तत्व से बने हैं तो हर एक थोड़े समय में हमारे तत्व बदलते रहते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके बॉडी में अग्नि तत्व अगर एक्टिव है, इस वक्त अग्नि तत्व अगर एक्टिव है तो उसका रंग होता है लाल, ठीक है। और उसका जो टेस्ट होता है ना बड़ा चटपटा सा टेस्ट होता है आपके मुंह में, अचानक से आपको ऐसा टेस्ट आ सकता है। अगर आप उतने ज्यादा कॉन्शियस है तो आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद में अगर आपके बॉडी में पृथ्वी तत्व अगर एक्टिव है तो उसका रंग कौन सा होता है? पीला होता है। और इसका जो स्वाद होता है ना मीठा होता है। देखिए जो मिट्टी की सुगंध होती है ना वो भी बड़ी मीठी मीठी होती है। अगर आपने कभी सूंघी होगी मिट्टी की सुगंध है ना, तो बड़ी मीठी मीठी होती है। अगर आपके बॉडी में जल तत्व अगर एक्टिव है तो जल तत्व का जो रंग होता है वो सफेद होता है और आपका हल्का सा मधुर बहुत अच्छा सा, जैसे पानी में एक अलग सी मिठास होती है। अगर आप कभी पानी को महसूस करके पिएंगे तो आपको उस मिठास का अनुभव होगा। आकाश तत्व का जो रंग होता है वो काला होता है और इसका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। अब आप कैसे इसको पता चलाएंगे कि बाबा हमारे अंदर अभी मेरे बॉडी में कौन सा तत्व चल रहा है? तो इसका मैं बहुत ही सरल सी विधि बताती हूँ। आप सभी लोग अभी के अभी वीडियो को पॉज करके मैं ये बोलने के बाद आप चेक करना, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका कौन सा तत्व चल रहा है। तो अगर आपके कमरे में शीशा लगा हुआ है तो उस शीशे पे ऐसे करके श्वास को छोड़िए और बाद में उसे बहुत गहराई से आप देखना तो वहां कुछ आकृतियां बनेंगी। तो वो आकृतियां कौन सी होंगी मैं आपको भी बताती हूँ। अगर अभी वायु तत्व चल रहा है आपके बॉडी में तो उस भाप में आपके मुंह से जो निकली है शीशे के ऊपर भाप, उसमें एक ट्रायंगल आपको नजर आएगा। आपको गौर से देखना पड़ेगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। अगर आपके इसमें अग्नि तत्व चल रहा है तो ट्रायंगल आएगा, ठीक है। अगर एयर चल रहा है यानी वायु तत्व चल रहा है तो सर्कल आएगा वहां पे, ठीक है। अगर मान लीजिए पृथ्वी तत्व चल रहा है तो चौकोर आएगा यानी स्क्वायर जैसे चौकोर वो आएगा। आपको उस श्वास में एकदम ध्यान से देखना है, वो वाफ के ऊपर जो आपने मिरर पे जो दर्पण पे आपने छोड़ा है उसके ऊपर आपको ध्यान से देखना, आपको दिखेगा। अगर आकाश तत्व चल रहा है तो कान जैसी आकृति बनेगी, जैसे ये कान है ना वैसी आकृति बनेगी। अगर मान लीजिए आपका अभी जल तत्व चल रहा है तो उसके ऊपर जो है ना चंद्राकार बन जाएगा। ये आप जरूर देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका ये वीडियो देखते वक्त कौन सा तत्व एक्टिव था। अब ये जो तत्व है या ईडा और पिंगला नाड़ी है, इसके अपने देवता भी हैं और इसकी अपनी दिशाएं भी हैं। मैं आपको बता दूं तो ईडा और पिंगला के देवता कौन है आपको मैं पहले बता दूं। जो ईडा नाड़ी होती है, जो बाया स्वर होता है जिसे हम ईडा कहते हैं, उसके जो स्वामी होते हैं वो ब्रह्मा होते हैं, ठीक है। और पिंगला के शिव होते हैं। और कहा जाता है कि सुषुम्ना जो नाड़ी है ना उसके भगवान विष्णु उसके स्वामी होते हैं। इसके दिशाएं कौन सी होती हैं? तो इससे आपको क्या पता चलेगा ना कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, आप किस दिशा में जा रहे हैं तो आपके काम बनेंगे कि नहीं। तो अगर आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है तो उसके लिए जो दिशाएं हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ, फटाफट नोट करिएगा। जो बाय स्वर होते हैं जिसे हम ईड़ा कहते हैं, उसका जो होता है ना दक्षिण पश्चिम होता है। और जो सूर्य नाड़ी है जिसे हम पिंगला कहते हैं, उसकी जो दिशा होती है ना वो होती है पूर्व और उत्तर, ये दिशाएं होती है। तो अगर आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है तो अगर आप कौन से दिशा में जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो अभी आप लोग सबको ये जानने की जिज्ञासा होगी, अगर मैडम मान लीजिए मुझे पूर्व और उत्तर में जाना है और मेरी ईड़ा नाड़ी चल रही है और पिंगला नहीं चल रही है तो कैसे करूं? तो स्वर की साधना करके आप जो है अपनी नाड़ियों को बदलना सीख सकते हैं। तो आप स्वर को कैसे बदलेंगे? आप
जो तरफ की आपकी स्वर चल रही है उसके विपरीत में आप ऐसे सो जाओगे। मान लीजिए आपका लेफ्ट चल रहा है तो आप लेफ्ट की तरफ सो जाओगे तो आपका तुरंत राइट नोस्ट्रल एक्टिव हो जाएगा, और राइट का चल रहा है और आपको भी लेफ्ट की जरूरत है तो आप राइट की तरफ सो जाओगे तो आपका लेफ्ट नोस्ट्रल चलने लगेगा। तो दोस्तों ऐसे ही मैं और बहुत सारा ज्ञान आपको जो है ना इस स्वर विज्ञान के लिए दूंगी। आप लोग इस सीरीज को बहुत अप्रिशिएट करना, किस तरह से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से चीजों को अपने फेवर में कर सकते हैं, स्वर को कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से, ये एक सीरीज बना रही हूँ 5-6 वीडियोस का, मैं आपको जरूर बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आप लोग फटाफट इस में मिला हुआ ज्ञान को अभी प्रयोग में लाएंगे और अपने अपने श्वासों की जो कौन सी नाड़ी चल रही है ये पहचान के आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे विराम दे रही हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। आत्म नमस्ते।